तक लगातार हमारे 150 साथी जेल के अंदर है और सरकार से लगातार हम उनकी रिहाई की गुहार लगाते रहे हैं। 2500 कर्मचारी नौकरियों से बर्खास्त हैं। यहाँ तक कि यदि किसी घर में मौत भी हो जाती है तो भी उनको जमानत में नहीं छोड़ा जाता। इन्हीं सारे समस्याओं को लेकर न जाने कितनी बार हम सरकार से मिले, मुख्यमंत्री तक दो दो तीन तीन दफा मीटिंगें हुई, लेकिन देखने में यही आता है कि पूरे प्रशासन का, पूरी प्रणाली का झुकाव पूंजीपतियों की ओर है। इसीलिए गांव गांव में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस पैदल मार्च का आयोजन कर रहे हैं और साथियों आप सभी से अपील करते हैं कि इस पद यात्रा में सहयोग से मारुति कर्मचारियों की आवाज को घर घर तक पहुंचाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो दिल्ली, पहुंचो दिल्ली, चलो दिल्ली। Our main focus, 99 workers arrested from the Maruti plant, India's largest automaker, in Manesar, Haryana. 85 people had been injured in unprecedented violence at this plant last night, worse than the 3 crippling strikes here last year. The real tragedy, the death of a general manager of the plant, Avnish Kumar. His charred body found in the devastation. Avnish Dev, who had been working in this plant for the past 1.5 years, is described by his colleagues as a very compassionate man. In fact, he was instrumental in resolving the conflict between the workers and the management during the strike last year. But on Wednesday evening, he didn't stand a chance when workers attacked him. His neck was broken and he was practically immobilized. So when workers set fire to parts of the HR wing, Dev was trapped in his room. Around 85 people were injured in unprecedented clashes at the plant. Among them, production in charge Vikram Khajanchi, who was in the ICU with head injuries. The workers say the management hired bouncers who were responsible for the violence. But the management says a worker was suspended after he slapped the supervisor and that led to the clashes. But the Haryana government alleged a political conspiracy. Aur jo vyakti bhi is mamle ke andar shamil paya jayega, us par na keval संपत्ति को तोड़ने फोड़ने, ना केवल जानलेवा हमला करने, बल्कि कत्ल का जो मुकदमा है वो हमने दर्ज कर लिया है। थाना मानेसर, जिला गुड़गांव। मुकदमा नंबर 184, तारीख 18/7/2012, सेक्शन 147, 148, 149, 452, 323, 302, 307, 332, 353, 427, 436, 201, 120B, 114, IPC सेक्शन के अंतर्गत। बयान श्री दीपक आनंद, पुत्र श्री ओम प्रकाश आनंद, रेजिडेंट ऑफ 503 एयरपोर्ट अपार्टमेंट, सेक्टर 47, गुड़गांव, धारा 161 CRPC के अंतर्गत। बयान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं और बतौर जनरल मैनेजर विजिलेंस मारुति सुजुकी इंडिया मानेसर में लगा हुआ हूं। इस कंपनी में सुबह 6:30 से सायंकाल 3 बजे तक ए शिफ्ट की ड्यूटी होती है और उसके बाद बी तथा रात को सी शिफ्ट की ड्यूटी होती है और दिनांक 18/7/2012 को पहली शिफ्ट में लगभग 8:30 बजे संग्राम माझी सुपरवाइज़र के साथ मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन के एक वर्कर जियालाल, सन ऑफ रामलाल, ने हाथापाई की। इस सुपरवाइज़र ने जियालाल के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत कंपनी के अधिकारियों को की थी, जिस पर कंपनी मैनेजमेंट ने जियालाल वर्कर को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया।
जियालाल वर्कर ने एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों के पास जाकर उन्हें उकसाया कि उसे गलत निलंबित किया है। इस शिकायत पर यूनियन के लोगों ने मीटिंग करके ए शिफ्ट के सभी वर्कर्स को संदेश भिजवा दिया कि ए शिफ्ट के सभी वर्कर शिफ्ट समाप्ति के बाद कंपनी गेट के बाहर नहीं जाएंगे तथा कंपनी मैनेजमेंट के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और नारेबाजी करने लगे। इनमें से कुछ लोगों के नाम इस प्रकार हैं: जियालाल सन ऑफ रामलाल, संदीप ढिल्लन, राम महर प्रधान, सोहन कुमार उप प्रधान, सरबजीत सिंह महासचिव, सुरेश कुमार कैशियर, अजमेर सिंह लीगल एडवाइज़र, योगेश कुमार सचिव, पवन कुमार सहसचिव, राम बिलास मेंबर, अमरजीत सिंह मेंबर, प्रदीप कुमार मेंबर, धनराज मेंबर, सोनू TT6A, राजपाल TT6A, नरसी असेंबली ए, ईश्वर असेंबली ए, सुमित नयन असेंबली ए, वीर अर्जुन QA, आर एस मौर्य पेंट शॉप, सतीश कुमार पेंट शॉप, नरेंद्र राहुल पवन कुमार सभी बैठक, प्रहलाद असेंबली बी, अजय कुमार किशोर कुमार सभी बैठक। प्रायर परमिशन नहीं दे सकते कोई, ये कोर्ट की परमिशन है, CGM साहब से लिया और आपको देते हैं। In my view, we are not being prosecuted. We are being persecuted. Every accused has a right to have the copies of the charge sheet and the documents relied upon by the prosecution, so that we may be able to cross-examine the witnesses. We are contesting, agitating time and again for the supply of those documents, which is his fundamental right. Yet we are to get those documents. Why is this happening? The reason is that the multinational company is involved in it. State is out for the multinational company. The prosecution has come to the wishes of the multinational company. Time and again we are bound to move applications before the court, and court is giving direction, yet the documents are not being supplied. हल्की वाली नहीं नहीं बताइए। अब इन्होंने तीन कैटेगरी बनाई हैं। एक कैटेगरी बनाई आठ लड़कों की, कि आठ लड़कों ने मिलकर मर्डर किया डायरेक्ट। 20-25 का कह रखा कि इन्होंने इन आठ लड़कों की मदद करी है, इन्होंने कमरे घेर लिए, चाहो तो सीढ़ी घेर ली, वहाँ खड़े होकर लठ लेके, ताकि बाहर से कोई आए ना बचाने। तो बाकी कितने लड़के बचे, करीब 118-16, उनको ये दिखा रखा है कि ये लड़के तोड़फोड़ में शामिल थे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये भीड़ का हिस्सा थे और भीड़ एक राय थी सारी, और एक राय होकर काम किया है भीड़ ने, तो इनको भी 302 में रखो शामिल। ये क्या मतलब है? चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। सही है, ये है ना। परंतु इन्होंने, पुलिस ने कहीं नहीं लिखा चालान में कि भीड़ में से किसी एक लड़के ने भी खड़ा होकर कहा हो कि आज ईंट सेट बजा देंगे। किसने नहीं कहा? एक राय कैसे जो है कि सारे आम पॉलिटिक्स चल रही है, जाके और कोई काम नहीं है। बच्चे फंसे हैं तो फंसे हैं, जिसके फंसे हैं उनको पता है कि उनके दिलों में कितना दर्द है। उनके तक लड़ते रहना, हम आपके साथ देंगे। मेरी बात सुनिए, आपका बिल्कुल एकदम सही है कहना, जमानत होनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ जो राज्य सरकार है ना, वो खड़ी है कंपनी के साथ। राज्य सरकार का काम होता है वैसे एक फेयर ट्रायल कराना, निष्पक्ष होकर कराना। यहाँ पे क्या है, सरकार ने एक ऐसा खड़ा कर दिया है। मिस्टर तुलसी जो है कांग्रेस के वर्कर हैं और कांग्रेस हाईकमान से बहुत नज़दीक हैं। एक दिन की फीस 11,85,000। तो जिम्मेदारी तय होनी करनी पड़ेगी जितने पॉलिटिशियंस हैं, जब तक कुछ नहीं होगा। जी वाला कौन है? ये हॉस्पिटल से मैं बता रहा हूँ, वहाँ वाला हूँ। आज सभी को पता है 18 जुलाई है, और पिछली 18 जुलाई 2012 को मैनेजमेंट ने एक प्री प्लान षड्यंत्र रचा, जिसके तहत जो नीश देव जी थे वो वर्कर हो गए थे, सी थे, और जो रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है 19-23 वो बनवाने में उन्होंने काफ़ी योगदान किया था। वो चंडीगढ़ तक हमारे साथ गए थे, तो उनकी हत्या करवा के मैनेजमेंट ने 540 रेगुलर वर्कर को बाहर निकाल दिया बिना किसी जाँच के, बिना किसी नोटिस के, और जो 18 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे उनको भी एक ही कलम से बाहर कर दिया। जिसको लेकर आज अपने 147 साथी एक पूरा एक साल हो गया है जेल के अंदर हैं, और कोई सुनवाई हाईकोर्ट या
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो रही। कईयों को जेल में डाला गया था, कई ऐसे मजदूर थे यहाँ पर जिनको बर्खास्त कर दिया गया था। हमारे साथ कुछ ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं जिन्हें किस कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था, और आज उसी के चलते गुड़गांव के लेजर वैली पार्क में एक धरना प्रदर्शन इन लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। मांगे उनको रिहा किया जाए, 1500-1800 कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको दोबारा काम के लिए, पूंजीपतियों के लिए 18 जुलाई महत्वपूर्ण, मजदूर के लिए 18 जुलाई महत्वपूर्ण। मीडिया सामने खड़ा है, पूंजीपतियों ने आपका उपयोग करके मजदूर को पीछे धकेलने का प्रयास किया, और हम यहाँ मौजूद है, मजदूरों की बात लेके आए हैं। हम तो चीज समझते हैं, हम उसको आगे करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, ये हम कहने आए हैं मीडिया को। न्यायपालिका के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास था, इस एक साल के दौरान उसने भी दर्शा दिया ये कह के, अगर इनकी जमानत इसलिए नहीं ली जा सकती, इन्होंने ऐसा कृत्य किया है, अगर देश के अंदर पूंजी निवेश का जो रास्ता है वो अवरुद्ध होगा, और इतना बड़ा इन लोगों ने दोष किया है, इसे सारा जो हिंदुस्तान का जो औद्योगिक वातावरण है उसको खतरा है। This is 1 year since the Maruti violence also happened. What security have you now given, sir, to many of the companies? We have a full battalion of Haryana police, Haryana armed police there, with a commandant and almost 1,000 constables who are round the clock on duty in Manesar. So police is giving total priority to the industrial peace in Manesar. And after that last 1 year, we haven't seen any kind of union unrest or any kind of labor problem or violence in anywhere. बाहर से जापान से कंपनी आके यहाँ हमारे इंडिया के जितने भी कानून बना रखे हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं सरेआम, और सब देख रहे हैं। सरकार को मतलब है खुद से कि सरकार अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो हमें इलेक्शन का खर्चा कौन देगा, वो देगी कंपनी। उनको अपने अगले चुनाव की चिंता है, वर्करों की चिंता नहीं है। लेकिन उस सरकार को हमें बताना चाहते हैं, वो आपको चुनाव के लिए खर्चा दे सकती है, वोट तो हमें ही देना है। मारुति सुजुकी वर्कर यूनियन जिंदाबाद। 18 जुलाई की घटना की उस तरह नैतिक जांच कराओ। विरोध प्रशासन मुर्दाबाद। विरोध प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। अच्छी गोली चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद। 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 दुनिया से शोर करना बंद करो। बंद करो। बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। आपकी मांगों में, आपकी बातों में कहीं पे भी मार्च या उसका जिक्र या आपको अनुमति नहीं दी गई। इस पार्क के बाहर की रोड पे आपने 144 नहीं लगा रखी, शहर में नहीं लगा रखी। हम मूव करते हैं, जहां आपसे आपका 144 शुरू होगा वहां रुक जाएंगे। आप हमको निकलने तो, आप या तो कहिए हमको कन्फाइंड कर रहे हैं, आप हमको डिटेन कर रहे हैं, आप वो भी नहीं बोल रहे हैं, और आप हमको बाहर भी नहीं जाने दे रहे। Who says that we don't have the democratic right to walk down NHA to Manesar? Who says we don't have the democratic right to sit in Devilal Park? You have the democratic rights if the situations permit. It is what not is the situation? Please explain to us very transparently what is the situation. It cannot be explained at this point. Why can it not be explained? Because it has various permutations. Why are you acting like the private army of the Maruti or of the Capital One? Great, wow, thank you. That's the trust you show us. Thank you. Sir, that's what we were waiting for. It's been 2005. That's what we were waiting for.
gentlemen, the Maruti Suzuki management will be here if you have any questions. Thank you so much for your time. I hope you have a great day. ये जी प्लांट का नक्शा है, ये कंपनी का प्रेस सोप डिपार्टमेंट है जिसको पीआरएम बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोहे की चादर होती है उसको अलग अलग आकार में काट के अलग अलग उसके गाड़ी के पार्ट बनाए जाते हैं। अलग अलग पार्ट कट के तैयार हो जाते हैं तो उसको फिर असेंबल करने के लिए उसको इस एरिया में भेजा जाता है। यहाँ से यहाँ वेल्ड शॉप में लेके आ जाता है जहाँ पर लाइनें बनी होती हैं इस तरह की, और उस टुकड़ों को असेंबल किया जाएगा रोबोट के द्वारा या मशीनरी के द्वारा या हाथों के द्वारा, और गाड़ी का ढांचा तैयार किया जा। अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग लाइन बनी हुई है। हर एक गाड़ी के बीच में सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस होता है, अब उसके बाद दूसरी गाड़ी, उसके बाद रोबोट के द्वारा पेंट होती हुई ये गाड़ी असेंबली शॉप में आती है। सबसे पहले गाड़ी के अंदर वायरिंग फिट होती है, उसके बाद ये आती है चेसिस लाइन। ये गाड़ी ऊपर उठा ली जाती है एंगलों के द्वारा, गाड़ी के नीचे काम होता है। फिर जो गाड़ी 50 सेकंड पहले यहाँ थी वो यहाँ आ गई, जो यहाँ थी वो यहाँ आ गई, तो इस तरह से एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी लगी हुई है। इंजन लगने के बाद एंगलों के द्वारा इसको फिर से ज़मीन पर उतारा जाता है यहाँ पे। जब ये यहाँ उतरती है इसको बोलते हैं फाइनल लाइन। जब ये गाड़ी फाइनल में आती है तो इसके अंदर कुछ इंजन रूम में काम होता है, सीट लगती हैं, स्टेयरिंग लगता है, मैट बिछते हैं, शीशे लगते हैं। तो ये गाड़ी मार्केट में आने के लिए यहाँ फाइनल है। हर 50 सेकंड के बाद जब एक गाड़ी बना रहे तो किसी को कोई रेस्ट नहीं है, कोई खड़े खड़े काम कर रहा है, कोई झुक के काम कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो ऐसे में जो 10 पे एक बंदा होता था उसका काम क्या होता है, हर एक वर्कर को थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनको रेस्ट देने का काम होता है। लेकिन वो पॉलिसी कंपनी ने ख़त्म करके अब 25 पे एक कर दिया। इस एरिया में मान लो 20 आदमी काम कर रहे हैं और किसी वजह से कोई गलती से आया नहीं और उसने बताया भी नहीं, तो जो एक्स्ट्रा बंदा है वो उसकी जगह लग गया। अब 20 लड़कों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी को भी टॉयलेट बाथरूम की छुट्टी नहीं होती थी। कंपनी के अंदर 3 प्रकार के ब्रेक होते थे, हर एक डिपार्टमेंट में ब्रेक का टाइम एक जैसा लगभग, जिसमें 7 मिनट टी टाइम, 30 मिनट लंच और फिर 7 मिनट का टी टाइम। ये पूरी कंपनी का जो ढांचा है इसमें एक कैंटीन है यहाँ पे, 10 और 10 20 मिनट तो उसको मिलती हैं आने जाने के लिए, और टोटल 10 मिनट का टाइम होता खाना खाने के लिए। सो 10 मिनट मिलती हैं उसमें भी हमें लाइन में लग के तब खाना लेना होता है और तब बैठ के खाना होता है उसको। हम रस्मों से जिंदा हैं, हम रिश्तों में जीते हैं। 8,000 रुपये फिक्स सैलरी, 8,000 रुपये वेरिएबल सैलरी है। अगर कोई वर्कर नहीं आता तो उसकी इस सैलरी से 25% कम हो जाएगा, 2 दिन नहीं आता तो 50% कम हो जाएगा, और 3 दिन नहीं आता तो 75% कम हो जाएगा, और वो अगर 4 दिन नहीं आता तो 100% उसको 8,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। इस एरिया का कोई बंदा नहीं यार, इस बंदे ने जाके उसका काम किया है तो काम तो वर्कर ने ही किया है, और इसकी सैलरी कट गई। जो इसकी सैलरी कटी है वो इन बंदों में कभी डिवाइड नहीं हुई,
वो सैलरी कंपनी के पता नहीं किस अकाउंट में जाती थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। जिस तरह से हम प्रोडक्शन दे रहे हैं, एक वर्कर को इतना काम मिलना चाहिए कि वो अपना काम करके और उसको चेक कर सके। यानी हम 50 सेकंड का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें 40 सेकंड का काम हो और 10 सेकंड मिले उसको उसका काम चेक करने की। होता ये है कि 55 सेकंड का काम होता है जो कि 50 सेकंड में करना होता है। अगर मैंने या किसी ने भी LXI गाड़ी का पार्ट VXI गाड़ी में लगा दिया, उसको ध्यान नहीं रहा या गलती होगी, तो HR में बुला के टॉर्चर किया जाता था कि आप अपना तरीके से काम कीजिए नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में। जब ये हो गया कि कंपनी सुन ही नहीं रही है, कंपनी देख ही नहीं रही है, तब जाके यूनियन के लिए अप्लाई किया। लाखों हैं मुक्ति के पंछी, कैद करोगे किसको, लेकर पिंजरा उड़ जाएंगे, खबर न होगी तुझको। इस पिंजरे की सलाखों का लोहा हमने ही निकाला है, ये लोहा पिंगलाने हमने अपना खून उबाला है। लोहा लोहे को पहचानेगा फिर क्या होगा समझो, लेकर पिंजरा उड़ जाएंगे, खबर न होगी तुझको। इस पिंजरे की दीवारों में हमने अपना पसीना बहाया है, ईंट बनाने सीमेंट बनाने मिट्टी को भी भिगोया है, मिट्टी कभी गद्दार न होगी क्या बतलाएं तुझको, लेकर पिंजरा उड़ जाएंगे, खबर न होगी तुझको। इस पिंजरे के पुर्जे पुर्जे हमें बताते अपने किस्से, कितने मजदूर दफन हुए हैं इसकी नींव के नीचे, वो मजदूर हैं साथ हमारे कौन रोकेगा हमको, लेकर पिंजरा उड़ जाएंगे, खबर न होगी तुझको। कैद में डालो फांसी लगा दो, अंटर से चमड़े भी निकालो, न्याय के रास्ते चल पड़े हैं, बांध लगा लो कांटे बिछा लो, कितना जुल्म करेगा जालिम, थक जाना है तुझको, लेकर पिंजरा उड़ जाएंगे, खबर न होगी तुझको। तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल गई है पिछले 2 साल में? बहुत कुछ बदल गया जी 2 साल में। 2012 से पहले तो जी हमारे को इसका भी नहीं मालूम था भाई हमारा कौन सा वर्ग है, किस वर्ग के हिस्से हम। सैलरी मिलती अपना थोड़ा बहुत घर पे दिया, घर वाले खुश और हम भी जैसे जी अपना बढ़िया ज़िंदगी जी रहे थे, जो पैसा मिल रहा था उससे अच्छी मतलब रोटी खा रहे थे कुल मिला के, और किसी प्रकार की कोई भी चिंता या कुछ और नहीं, किसी प्रदर्शन में कहीं पर कुछ भाग नहीं लेना, किसी कंपनी में कुछ हो रहा है। पहले जो सोच थी जी वो एक तरह पूरे रूढ़िबाजी विचार थे जी, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हाँ जी करते रहो और अपने काम करते रहो, सही है, एक ये मेंटेलिटी बनी हुई जी मजदूर के अंदर। और कई तरह के साधन अपना रखे हैं पूंजीपतियों ने भी, जो मजदूरों को एक नहीं होना दिए जा रहे। मजदूर ये नहीं समझ पा रहा भाई वास्तव में मजदूर हैं कौन कौन। जैसे जो होंडा का परमानेंट वर्कर है वो अपने आप को जो है मजदूरी नहीं मानता, वो नाम भी चेंज कर रखा, जैसे मजदूर नाम नहीं लेते, इम्प्लॉयज बोलते हैं, इम्प्लॉयज भाई हम उसके कंपनी के इम्प्लॉयज हैं, मजदूर नहीं बोलते कभी भी। एक जो ठेका मजदूर है उसमें और उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, वास्तव में हैं तो दोनों मजदूर, एक अप्रेंटिस है वो भी मजदूर है, कंपनी का चलो वो भी मजदूर है। तो इस टाइप से जो हमने डिवाइड कर रखा है जिनको अर्जब है, और दिखाते भी हैं ड्रेस के जरिए दिखाते हैं भाई तेरी ये ड्रेस है, तेरी ये ड्रेस है, फैसिलिटियों के जरिए दिखाते हैं, और कई बार बोलते भी हैं, जैसे मैं हमारे मैनेजमेंट ने बोला था भाई तुम्हारी बात रखो, कैजुअल की बात तुम नहीं रख सकते,
वो यूनियन में आते नहीं है। जो ठेका मजदूर हैं उनके बारे में ऐसा बोला गया था, एक दो टायर बनाती है कंपनी, एक तरह से वो भी जुड़ी हुई है मारुति से, लेकिन वो तो अलग कर दिया, नहीं वो तो कृष्णा मारुति है, वो MRF की कंपनी है, वो ऐसी है, लेकिन वो जो टायर जो लग रहा है, जो खिड़की लग रही है, जो सीट लग रही है, वो लग तो मारुति गाड़ी में रही है ना। तो इस तरह से जो है एक पूरा मतलब ये चैन सिस्टम बना रखा है जी पूंजीपतियों ने, मजदूरों को एक न होने का एक अपना जरिया बना रखा है पूरा। दिसंबर में तैयारी स्टार्ट कर दी थी 2010 में यूनियन बनाने की, जून में हमने अपनी फाइल लगाई रजिस्ट्रेशन के लिए, चंडीगढ़ फाइल गई, वहाँ से फैक्स आया मैनेजमेंट के पास कि इतने लड़कों ने साइन करके फाइल पहुँचाई है और यूनियन बनाना चाहते हैं। तो अगले दिन ही 4 जून को कंपनी ने ज़बरदस्ती साइन कराना स्टार्ट कर लिया ब्लैंक पेपर पे, सभी ने उसका इकट्ठा विरोध किया और 4 जून को पहले स्ट्राइक हुई, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से 13 दिन की स्ट्राइक चली, 100% मजदूर वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जो कैजुअल वर्कर का था उसको तो यही नहीं पता था भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कि यूनियन बनेगी नहीं बनेगी, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, बस ये था मैनेजमेंट के खिलाफ में हम जा रहे हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ में हम जा रहे हैं, जो हमारा जो शोषण कर रही है, इसीलिए जो है मतलब वो सारे मजदूर वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कैजुअल भी आए, कॉन्ट्रैक्टर भी आए, परमानेंट भी, तो सभी मिलजुल के बैठे रहे। 2 दिन तक खाना नहीं मिला वर्कर को, भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे रहे। और जब आसपास की यूनियनों ने देखा कि ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है, तो 2 दिन के बाद कंपनी के अंदर खाना पहुँचाया। लेकिन जो बात जहाँ पे वी हैव नॉट स्ट्रक वो है मेन बात, वो एक सेपरेट यूनियन की बात कर रहे हैं जो हम लोग को एक्सेप्ट करना है। उन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से जो लड़के निकाले थे उनको लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे हमने जो यूनियन के लिए अप्लाई कर रखी है जो फाइल है मारुति सुजुकी एम्प्लॉयज यूनियन, वो उसका बनने से मना कर रहे हैं, उसका बनने वो ये चाहते हैं कि जो हमारी पॉकेट यूनियन है आप उसके द्वारा ही जुड़ो और भविष्य में जो भी गतिविधियाँ होंगी आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। समझौता हुआ, 11 मेंबर हमारे टर्मिनेट कर दिए थे उस दौरान, वो सारे वापस लिए और मैनेजमेंट ने बोला कि यूनियन का प्रोसेस है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो समझौता तोड़ दिया। वर्करों को तो ले लिया लेकिन अंदर आते ही 1-1.5 महीने के अंदर उसको सस्पेंड कर दिया, कभी उसको सस्पेंड कर दिया, ऐसे करने लग गई। इससे पहले कि यूनियन कोई एक्शन लेती मैनेजमेंट ने एक्शन ले लिया और कंपनी को लॉकआउट कर दिया। The trouble began on Monday when Maruti authorities refused to allow workers to enter the plant without signing a good conduct undertaking. Undertaking form में इन्होंने ये लिखा है कि आप कब अंदर जाओगे तो वहाँ पे आप कभी हड़ताल नहीं कर सकते या कभी भी अपने वर्क अपने जो मतलब अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते और अपने स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार आप काम करना पड़ेगा। पुलिस की 5 जो बसें हैं वो आई हुई हैं और वो कल दोपहर की आई हुई हैं और 500 से ऊपर दिन के सिक्योरिटी गार्ड हैं, दो ने ग्रुप ले रखे हैं और सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर हैं जो वो ड्रेस में है सिक्योरिटी गार्ड्स की। लेकिन साथियों जहाँ तक लड़ाई की बात है, अगर प्रबंधक प्यार से हमारे बात को मानता है और टेबल पर आता है तो हम बात करने के लिए भी तैयार है, यहाँ का प्रशासन और पुलिस भी सुन ले।
अगर हमारे से टकराव करने की कोशिश की साथियों, तो हम ना तो जेल से डरते हैं और ना मरने से डरते हैं साथियों। परमानेंट मजदूर तो अंदर आ गई, कैजुअल को बाहर छोड़ दिया गया और परमानेंट मजदूर की जो है बस फैसिलिटी थी वो भी बंद कर दी गई। और तीसरा कारण ये था, सभी को जो है स्टेशन सबके चेंज कर दिए गए बिल्कुल। और ये बोला गया भाई तेरे को काम करना पड़ेगा पूरा का पूरा। और ये बोलते थे तू जो फॉर्म भर के आ रहा है, ठीक है फॉर्म भर के आ रहा है, काम करना कर नहीं तो कब भाग जा अपने घर पर। एक घटना ऐसी भी घटी थी कि एक वर्कर का फॉल्ट गया तो उसको ऑनलाइन स्कूल के बच्चे की तरह मुर्गा बना दिया कि कान पकड़। अब कई दफ़ा ऐसा होता था कि फॉल्ट चला गया, एक साइड में खड़े हो जाओ लाइन के, तो 8 के 8 घंटे वर्कर को खड़े रहना पड़ता था। ऐसी ऐसी मतलब पुनिशमेंट दी जाती थी ताकि और वर्कर भी देख के वो करें। और इसके अलावा ऐसा भी था अगर फॉल्ट गया तो रिटर्न में दो, लिख के दो तुम्हारा फॉल्ट क्यों गया। उसका रिलेशन CR से होता था, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट 3 साल के बाद भरी जाती थी, जिसको देख के ही मतलब किसी को परमानेंट किया जाता था, उसके ऊपर फर्क पड़ता था। जैसे 8 पार्ट हैं एक वर्कर को लगाने हैं, तो उसमें वहाँ का जो शिफ्ट इंचार्ज है या वो जैसे प्रोडक्शन उन्होंने सिस्टम मैनेज किया है, एक स्टॉप वॉच लेके खड़ा हो जाता था। स्टॉप वॉच में मतलब एक पूरा जितना मतलब एफर्ट लगा के अपनी पूरी एफर्ट से जो काम कर सकता 8 पार्टों को लगाने में, वो टैक टाइम नोट कर लिया जाता। अगर वो काम उसने 35 सेकंड में कर दिया तो टैक टाइम नोट हो जाता था उस वर्कर का, इतने समय में उसको ये पूरा काम करना है। वही एफर्ट पूरे 8 घंटे कंटिन्यू रहता था, उसमें ये नहीं है कहीं से कोई सेकंड अलग से निकलेगी या नहीं निकलेगी। बीच बीच में चेक करते थे आके इसके पास, मतलब यदि 1 सेकंड का भी टाइम बच रहा है, मान लो बाई चांस 1 सेकंड खड़ा होने का थोड़ा भी टाइम है, तो इसको और क्या काम दें, इस तरह से देखा जाता था। इतना हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि हमें कंपनी में जाने के बाद तीसरी बार स्ट्राइक करनी पड़ी। फिर दोबारा लड़के एक दूसरे से जुड़े और जो अब हमारी यूनियन मारुति सुजुकी वर्कर यूनियन, इसकी दोबारा से फाइल तैयार करके हमने दोबारा से फाइल लगाई। अवनीश देव थे, इनका ये यूनियन बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। अकेले मैनेजमेंट में ये ऐसे मैनेजर थे जो वर्करों को सपोर्ट कर रहे थे। यूनियन की फाइल लेके चंडीगढ़ तक गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन तो फरवरी में हो गया था 23 को, और 1 मार्च को हमने कंपनी पे झंडा लगा दिया था। खुला चैलेंज करते थे मैनेजर हमें कि हमने मानेसर प्लांट के लड़कों के मुंह में हाथ फेर के देख लिया, काट नहीं सकते, यहाँ यूनियन नहीं बना सकता कोई, खुला चैलेंज। मैनेजर बोलते थे ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं करे, ये यूनियन टुड़वाने में ही करे हैं। बिल्कुल यूनियन बनने के बाद भी मैंने काफ़ी कोशिश ही करी हमारी यूनिटी को तोड़ने की, लेकिन उसके बाद भी दूसरी लीडरशिप खड़ी हुई। उस लीडरशिप को अभी भी जेल में डाल रखा है, उसके बाद तीसरी लीडरशिप भी खड़ी हुई है, और हम ये मानते हैं कि अगर हमें भी जेल में डाल देंगे हमारी चौथी लीडरशिप भी, हमारी चौथी तैयार है। मतलब ये पॉलिसी हमने मैनेजमेंट की मानेसर प्लांट के वर्करों ने बिल्कुल फैल करी है कि आप लीडरशिप को तोड़ो यूनिटी टूट जाएगी।
कोई नहीं नहीं सब हम भूखे मत भूखे इसके बाप के धोरा पर तप साहब में गेले लेकर जाता है ऐसी हालत हो रही कोई सुनाई नहीं है जी सरकार भाई कोई साथ नहीं दे रहा बच्चा तो जी मारी क्या क्या राय होगा हमारा कोई राय नहीं होता जी हम तड़प तड़प के बच्चा के मारे तो यहाँ ही खबर है जेल में डाल दो जेल में डाल दो पूरे परिवार को जेल में डाल दो दूसरे साल लग गई क्या कसूर कर दिया इन्होंने कोई इनके पास गवाह नहीं कोई कुछ नहीं हर महीने की तारीख पे तारीख पे 2000 वर्करों में से क्या यही थे क्या जो मैन है जो आपके पापा कहाँ हैं ड्यूटी ड्यूटी पे कार बना रहे हैं ना बहुत सारी कार बनानी है उन्होंने यही बोलता है ये तो मेरा पापा तो बहुत सारी कारें बनानी है इसलिए ना ड्यूटी पर है जब छुट्टी होगी जब ही तो घर आएंगे मेरा तो को तो याद आ रही है उनकी मेरे लिए खिलौने लाते थे चीज़ें लाते थे जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन इन रात ने रेड गेयर के 90 भड़क था इन्हें तो 90 तो सीधे सीधे पकड़े गए उसमें कैजुअल भी फंस गए उसमें ट्रेनिंग भी उस सारे मिल के पकड़े गए जी उसके बाद जो मैन लड़के थे वह तुरंत नाम बताए कंपनी ने इन उठाओ जिसमें यूनियन के सारे थे और कुछ ऐसे नाम जो प्रसिद्ध से थे तो वो एकदम लिस्ट देगा वे ठा लिए जी तो जो पहले दिन ठाए थे 90 आदमी उनका इन नजीक लिस्ट तैयार करा के दी थाने में दाग रखी ये आदमी पकड़े गए उस हिसाब से उस लिस्ट में ये 9, 10, 11, 12 इन तक सीधे पकड़ा दिए वो 90 आदमी और जो मैन थे यूनियन और मैन वे बनाए जी ये जो शुरू के 8, 9, 10 जने जो है ना जी खजानची सरीन और ये जो मैन थे ये उनकी लिस्ट में जो मैन वाले थे और जो बच गए वो अनदर प्लेस में कोई झगड़े मार है वो मारपीट में है को कीता है फिर सेस लिस्ट बढ़ती गई चलान चलता गया इसमें टोटल प्रोसिक्यूशन जो विटनेसेस हैं 190 के आसपास है जिसमें से 90 विटनेसेस फॉर्मल विटनेसेस हैं उनमें से 4 विटनेसेस हमारे स्टार विटनेसेस हैं जैसे विटनेस नंबर 9 विटनेस नंबर 10 विटनेस नंबर 11 और 12 इन्होंने एक्यूज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तोड़फोड़ करते हुए देखा जैसे फॉर एग्जांपल विटनेस नंबर 9 कह रहा है कि मैंने एक्यूज को जिनका नाम अल्फाबेट ए से स्टार्ट होके अल्फाबेट जी तक है उनको इंडस्ट्री के एक हिस्से में तोड़फोड़ करते हुए देखा ऐसे ही जो विटनेस नंबर 10 है वो कह रहा है जो अल्फाबेट आगे के यानी जी से आगे के हैं यानी एच से लेके पी तक उसने एक्यूज को इंडस्ट्री के एक दूसरे हिस्से में तोड़फोड़ करते हुए देखा इसी तरह विटनेस नंबर 11 ने आर और से लेके एस तक देखा और विटनेस नंबर 12 ने एस से लेके वाई तक देखा तो अगर हम इन चारों स्टेटमेंट्स को एक साथ देखते हैं तो हम ये पाएंगे राहुल जी कि एक्यूज ने पहले अपने आप को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में असेंबल किया और फिर इंडस्ट्री के डिफरेंट हिस्से में जाके अटैक किया और इनको सिवाय इन विटनेसेस के अलावा पूरी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं देखा 0-5 गाजीपुर है जी गाजीपुर गाजीपुर कौन सा यूं मैं भी यूपी आप कहाँ से आ रहे हैं मैं भी यूपी का ही हूँ वैसे रहता मैं दिल्ली में ही ये दिल्ली में तेरे लोग पे रहता हूँ मैं तो बच्चा कहाँ का है जाएंगे कुछ आपके बच्चे के साथ ही है साथ ही का है तो बच्चा आपका रेगुलर था हाँ नहीं अभी टेम्परेरी था अभी तो ठेकेदारी पर था अभी घर से पकड़ के ले गए हैं कोई खाना बना रहा कहीं कुछ करा किसी को दुए को तो और इन सब बच्चों के संगे दूसरे कंपनी का
पकड़ाया था लड़का, एक आदमी तो रात भर रखे थे कोतवाली में, तब उसका आई कार्ड दूसरा था, तब उस सवेरे छूटे नहीं तो उसको भी पकड़ ले गए थे। क्योंकि ये जो भी सामान है ना ये उसी को मिलेगा, क्या नाम रविशंकर को ही मिलेगा वैसे तो ये, लेकिन फिर भी हम एप्लीकेशन लगा देंगे। लेकिन पाठक भी बोला था कि यार मिलना मुश्किल है, उसके डॉक्यूमेंट है उससे पता चल जाएगा। जब वो पकड़ा गया तो उससे पुलिस ने लिखा कि उसके पास से ये चीज़ें मिली। क्या दिक्कत आ रही घर में, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही? जो मेरा डैडी जी है ना वो ज़्यादा बीमार हो रहा है, जिसके यहाँ जी टेंशन हो रही है, पागल सा हो गया, उसकी दवाई भी बहुत पैसे लगाए थे जी, और ठीक नहीं रहा जी उस। अच्छा, फिर मान लो ये इसके एटीएम में 8-10 हज़ार रुपये पड़े हैं, इससे तो काम चल जाएगा वो जी? कुछ ना कुछ तो चला गया, लेने से बचाएंगे। ये तो दो चीज़ लग रखी है, 370 रुपये मिले हर एक पर्स। वही तो बात है, जो ठीक है लड़का जी, वो एंट्री नहीं हुआ ना जो जो सारा एटीएम और नहीं, कोई एटीएम कार्ड कुछ और चीज़ इससे कुछ दिखा नहीं रखा है उन्होंने। पर्स के अंदर क्या है? 370 रुपया है। जल्दी लगवा देंगे आपकी एप्लीकेशन, जिस दिन अगर ये अप्रूव होगी भी मिलेंगे तो आपको फ़ोन कर देंगे, फिर आप आ जाना और फिर ये सामान मिल जाएगा और पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे केस बहुत आते होंगे? डेली आते हैं जी ऐसे केस। ठीक है, धन्यवाद जी। ये बहुत सारी ज़रूरतें हैं, किसी के घर शादी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो डेली चलता ही रहता है कोर्ट में, जितना भी हम कर पाते हैं। कुछ एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती हैं, कुछ को रिलीफ मिल जाता है। मेरा नाम सुषमा है और मेरे पति का नाम सोनलाल, वो मारुति कंपनी में परमानेंट वर्कर थे। उनको 20 जुलाई को अरेस्ट किया गया, बाद में तो इन्होंने FIR बना दी ना पुलिस वालों ने, पर जो कंपनी की तरफ से FIR है उसमें नाम नहीं है। दुष्टों के दल को मिटाती हुई पवन रूफल चल मचाती हुई लहू की वह नदियाँ बहाती हुई रूप अपने दिखाती हुई माँ काली ने असुरों की जब सेना दी मार महिषासुर आया तभी रूप भैंसे का दागा जो उसके सुनकर लगा। हेलो नमस्ते रेडी जी, 30 तारीख दी है, क्या करें, इससे ज़्यादा भट्ठा क्या बिठाएंगे ये हाँ? कुछ नहीं, बस पूजा कर रही थी, आज लेट होगी थोड़ा। ना अभी कहाँ, ठीक है डैडी फिर है। अच्छा अच्छा, हमारी शादी हुई थी 2008 में। जब मैं इनसे पहली बार मिली तो इन्होंने ये कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में लड़के इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, मेरे पास ये है ये है ये है, ये मिलते ही ये कह रहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा अकाउंट बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो इंसान सच्चाई है। जो सपने मैंने देखे थे ना अपनी लाइफ को लेके, बिल्कुल सच थे। एक देवता के समान मेरे को पति मिला था, क्या है। उन्होंने लिख रखा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना, भगवान ने चाहा तो अब बहुत जल्दी हम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, आप अपना ध्यान रखना, आप मेरी पत्नी ही नहीं मेरा गर्व भी हो, आपकी कसम भगवान में ऐसा जीवन साथी सबको दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार एक बार पूरा हो जाए।
मदर इन लॉ को कैंसर था, तो जितना ये पैसा कमाते मम्मी को वहाँ घर दे कर आते, और अब उस इनके बाद मैं कर रही हूँ वो चीज़ जो खर्चा मतलब है। छः बजे ऑफिस से आती हूँ, आके पीस वगैरह बना लेती हूँ पार्ट टाइम। इनके साथ ही यहाँ आई थी शादी के 5 दिन बाद, अब इनको छोड़ के कहाँ जाऊँ। और इनके लिए मैं हमेशा लड़ती रहूँगी। हिम्मत कहाँ से आई तुम्हारे पास? भगवान से। भगवान में विश्वास है? बहुत विश्वास था भैया, पर अब ये चीज देखते हुए धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो बिल्कुल जंतर मंतर पे ही रखा कार्यक्रम। दिलीप साथी बड़े पत्रकारों से जो मोदी जी हैं उनसे के कई पार्लियामेंट के लोगों से कई और जो ठीक विचार वाले जो लोग जो न्याय की बात करते हैं उन सबको शामिल करेंगे और जन संगठनों को सबको परिवारों को। जो सेंट्रल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी पीछे 2 महीने हो गए जो हाँ। उस पर कुछ गौर नहीं किया। ना गौर कहाँ कर रहे हैं, किसी एक सेंट्रल कमीशन की अखबार की न्यूज है मैंने पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि ईश में ईश ग्रुप का कोई हाथ नहीं, क्लियर क्या है उस कमीशन में कोई परेशान होगा क्या बदगेंगे, नौकरी इनकी गई, खेती बाड़ी है नहीं। पैसे का सुंदयाल जी ऐसे पैसे का सवाल नहीं है, पैसे का सवाल तो मैं मुकदमा लड़ता ही क्यों। बच्चे की एक शादी के लिए बेल के लिए 15 दिन की मिल जाए तो अच्छा है, मिल सकती है ऐसे? ना कितने दिन की मिलेगी? 1 दिन की सेम और पुलिस कस्टडी में मिलेगी। जाए और आए और पुलिस वाले लेके जाएंगे हथकड़ी डाल के। नहीं वैसे सिविल वर्दी में हो या कुछ ऐसे? नहीं ना 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 वो यूनिफॉर्म में आते हैं भाई बंदी वहाँ जाकर खोल दे अलग बात है, बाकी उनको ऑर्डर तो हथकड़ी पहना के ले जाने के हैं। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे ऐसे। वो लड़की ने मान रखा तो मैं शादी नहीं करूँगी अगर जो भाई ने। हमारे उसमें भाई का भी रोल होता है वो हथकड़ी दे के और फिर ऐसे कोई आप बच्चों को तो पढ़ाई का मालूम नहीं होता, आपने कैसे पढ़ाया इस बच्चे को? बहुत मेहनत से पढ़ाया जितेंद्र को। भाई है कम से कम भी 2.5 लाख रुपए इसका खर्चा लगा है हमारा। अच्छा। भट्टे पे से कमा के इसको भी देते हैं, हम भी करते हैं। बताओ 5-7 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, 3 हज़ार भी देते हैं तो 6 हज़ार में पड़ता है हमारे। और 6 महीने पहले बच्ची हुई है तो ये आप एक पूरा मामला जन सुनवाई में दिल्ली उठाएंगे इस बात को, और ये मतलब ड्यूटी भी नहीं था उस दिन नहीं था और कमरे से पकड़ा इसको है। आप सब लोगों को क्या बताऊं, आप लोग सब जानते हैं पारिवारिक स्थिति एकदम लड़खड़ाई हुई है। मेरा बच्चा 8 महीने से बीमार है, गले में उसको प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट हो कहां से पाता। पुलिस वाले 9 बजे जो ना बॉन्ड से जेल जाते हैं, 10 बजे बच्चे को वहां से उठाते हैं, 1 घंटा के बाद गुड़गांव पहुंचते हैं, इतना ही डॉक्टर वहां से उठ जाता। पुलिस वालों से विनती करी भैया आप टाइम से आए करो, कहते कि हमको तेरे बाप के नौकर हैं। परेशानी गले में बढ़ती जा रही है,
पता नहीं गले में कैंसर है या गले में कहीं और अन्य बीमारी है, कुछ पता नहीं पड़ पा रहा। और खास कर्मचारियों को बहाल करो, झूठे मुकदमे वापिस लो। मेरे बेटा 13 महीना हो गए जेल में और उसकी बेटी बार बार कहती है मम्मी पापा कब आएंगे, माँ पापा कब आएंगे। पापा भाई को पढ़ा रहा था, घर का गुजारा उसी से चल रहा था। धन्यवाद श्रीमती गोमती जी का। अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे जो 1923 रजिस्ट्रेशन में जनरल सेक्रेटरी थे हमारे यूनियन के सरबजीत जी हैं और उनके पिताजी श्री अवतार सिंह जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी दुख भरी व्यथा को आम जनता के बीच में रखें। आवाज दो, आवाज दो। एक साल हो गया हमको चाहते आते, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं सुन रही, कोई अफसर नहीं सुन रहा, कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं सुन रहा। जेल में जाते हैं वहाँ धक्के, थेरेपी जेल लाइन लगा लो, जहाँ जाते हैं मिलने के लिए धक्के खाते हैं, सवेरे चलते हैं हिसाबा से जो काम वाले के पास पड़ता है और दोपहर को यहाँ पहुँचते हैं बिना खाने के, वही पाछी रोटियाँ खा खा के अपना गुजारा कर रहे हैं एक साल से। लेकिन हुट्टा सरकार ऐसी कुत्ती सरकार है जो नहीं मानती, ये कुत्ती सरकार ऐसे नहीं मानेगी तब तक ये जूते नहीं खाएगी। हुट्टा तेरी कमर खुदागी, हुट्टा तेरी कमर खुदागी। मैंने पूछा था अपने बेटे से, मैं बेटे तुम्हारा झगड़ा क्या चल रहा है, क्या क्यों मीटिंग इतनी वो कर रहे हैं। वो कहना डेढ़ झगड़ा हमारा कोई नहीं आपस में, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं इनको कि जो कच्चे आदमी अगर निकाल देते हैं साल के बाद, दो साल के बाद जब परमानेंट होने पाते हैं उनको निकाल देते हैं बेचारे को, तनख्वाह भी उनको कम देते हैं, वही वर्कर वो काम कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। लेकिन साल जहाँ हुआ दो साल की ट्रेनिंग उनको दी और बाहर निकाल दिए, ना में भर्ती कर लिए, वो ठेके में रखने लगे बंदे। तो मैंने भी कहा मैं बेटे तू छोड़ पर अगर तेरे को नहीं वो कर रहे हैं, मैं तो गरीब की मदद के लिए बनाया हूँ सेक्रेटरी, मैंने भाइयों के लिए बनाया, भाइयों के साथ चलूँगा। हाँ सारा परिवार ही खुश हुआ था, अच्छी नौकरी मिल गई है, चलो अच्छी कंपनी है, लेकिन ये क्या पता है कंपनी धोखा देगी। हाईटेक की इसमें दो साल, जब भी कोई झगड़ाबाजी नहीं किसी के साथ, आज तक कोई कोर्ट नहीं उसका, पुलिस में आज तक गई नहीं कभी, जो आज अंदर जेल में। अब शादी हुई है दो साल हो गए, उसने बहू ने बेचारी खुशी हो गई कभी खा के देखा। मैं मायके में रह रही हूँ, ऐसे लोग देखते हैं कि हाँ ज़्यादातर यहीं पर ही है, बेटी भी पास है इसके, जिनको तो पता है पता है, जिनको नहीं पता कि इसके साथ ऐसा हो चल रहा है तो फिर उन लोगों के तो बातें ही होती हैं, पता नहीं बेटी होगी इसलिए छोड़ दिया, पता नहीं इसका डिवोर्स हो गया, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। मेरे में अब बर्दाश्त शक्ति नहीं है क्योंकि मैंने अपने भाई का गम देखा है, ब्रदर की डेथ होगी उसके बाद मैं यही गम नहीं देख सकती।
इसको पापा का प्यार, पापा का कुछ ऐसे नहीं पता। एक दो बार जब मिलने जाते हैं तो हम कहते हैं वो देखो सामने पापा है, तो इसको नहीं पता लगता कि वो पापा है क्या है। तो खा लेगा मैं छोड़ता। पापा लग रही जो तो वो बच्चे आलो छोने कल जाएंगे फिर परसों मिलेंगे। ये हमारी एनिवर्सरी है 7 नवंबर, अब 3 साल हो जाएंगे। मेरे बर्थडे पे भी आई थी, पेशी आई थी 27 जुलाई को, हुई तब भी इन्होंने मतलब कि अंदर से कोई फ्लावर लेके आए थे रोज़ का, तो बेटी के हाथ पे पकड़ा दिया था, मेरे को भी दिया था उन्होंने। हाँ जी कोर्ट में ही, जब चलते चलते ही मिलते हैं उस टाइम पे। अब जैसे टाइम चल रहा है ऐसे ही टाइम चलेगा, पर यह कि साथ नहीं छोड़ूंगी इनका कभी भी, चाहे जो मर्जी हो जाए साथ नहीं छोड़ूंगी कभी भी। जो कंपनी का वो अभी गवाही देने लग रहा है, उसके बाद अगर जमानत के ऊपर बहस होगी, दो लड़कों को जमानत लगा रखे है रेगुलर जमानत पे, उसके ऊपर बहस होगी अगर बच्चा, फिर देखेंगे जमानत हो रही है या नहीं हो रही है। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 विक्रम खजांची, सन ऑफ लेट श्री एम एल खजांची, एज्ड 51 ईयर्स, फैक्ट्री हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट इन मारुति सुजुकी इंडिया, मानेसर प्लांट, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, ऑन ओथ। ऑन 18/07/2012, आई वॉज प्रेजेंट इन माई फैक्ट्री प्लांट इन मानेसर एट अबाउट 8:30 AM, एंड देर आफ्टर आई टुक अ राउंड ऑफ द फैक्ट्री एंड रीच्ड इन माई मेन ऑफिस एट अबाउट 9 AM. I came to know that one worker, Jialal, accused, had an altercation with supervisor Sangram Kishore Maji in Assembly Shop A. Then I called Sri L.K. Gupta, department manager of Assembly Shop A, and asked him to investigate the matter regarding the said incident and submit the report to me. Thereafter, at 10:15-10:30 AM, Sri L.K. Gupta came to me and reported that after verifying the incident, he could make out that Jialal had an altercation with Sangram Kishore Maji and he misbehaved and slapped Sangram Kishore Maji. After getting this report, I summoned a meeting around 10:30 AM, which comprised of me, Mr. P.K. Roy, Vikram Sareen, Mr. Avnish Dev, deceased, Mr. Anil Gaur, Mr. Birendh Prasad, and Mr. C.S. Raju. On the basis of the inquiry report submitted by Sri L.K. Gupta, we all deliberated upon as to how the situation has to be handled. We decided to call both Jialal and Sangram Kishore Maji. Sangram Kishore Maji came, who disclosed the entire episode. Jialal was dissuaded by the members of the union to come to us. We then decided to suspend Jialal and further decided to initiate a departmental inquiry against him. Cross-examination by defense counsels Shri R.S. Huda and others. It is correct that I received only 2 injuries. I volunteered that I also received injuries on my head. I could not tell the said injury in my examination in chief, and I cannot tell the reason of this. I do not remember that I stated to the police that workers came upstairs and started assaulting. It is incorrect to suggest that the aforesaid version of mine is wrong, because I'm intentionally avoiding the answers to the questions. I did not receive any burn injury. I'm not sure whether I stated to the police that the fire turned into flames, but I had stated that the fire had spread. I did not state to the police in my statement as well as the court today as to how the office and the hall were put on fire. It is correct that I did not tell the police as to who were the persons who set the same on fire. It is true that I did not state to the police the name and description of the workers except the persons whom I have mentioned in the statement by name. I call them workers because they were in the dress of our company.
It is incorrect to suggest that in our company we had employed 150 to 200 security persons who are bouncers. Security personnel have a different dress code. It is incorrect to suggest that the bouncers are employed in company dress. It is incorrect to suggest that on the date of the alleged occurrence, the bouncers were in the dress of the company. I do not identify all the security personnel, but I recognize some of them. कल फिर मारो कल 11 बजे अभी तक जो मुझे जो उनका स्टेटमेंट जो आया है उसमें ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा है कि भाई किसने मर्डर किया और आग किसने लगाई। वो कह रहे हैं कुछ लोग, किसी का नाम बता नहीं सके। और मेनली अभी तक जो स्टेटमेंट है वो यूनियन लीडर्स के ऊपर ही कन्फाइंड है सारी। लीडर्स में भी इन्होंने 12 में से सिर्फ 5-6 का नाम दिया अभी तक। हमने पूछा इनसे कि पुलिस जब 5:30 बजे आ गई थी तो उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया, तो ये बोले कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम वर्कर्स और मैनेजमेंट की बातों को मिल बैठ के फैसला करते हैं, इसलिए हमने पुलिस को अंदर नहीं बुलाया 5:30 बजे। तो हमने कहा अच्छा, तो पॉलिसी तो आपकी बड़ी अच्छी है ये, परंतु जब एक लड़का अब्सेंट हो जाता है कंपनी में तो उसकी आप 10% तनख्वाह काट लेते हो, 2 दिन अब्सेंट पे 20% 40% 3 पे 50% पूरी इंसेंटिव काट लेते हो, ये पॉलिसी आपकी है कि नहीं है? बोले मुझे याद नहीं है। तो उनकी झूठ पकड़ में आ रही है धीरे धीरे, आ जाएगा सच सामने आएगा, समय लगता है। क्या 150 बच्चों ने क्या मर्डर कर दिया है? 307 302 सारी धारा मर्डर की लगा दी इन सब बच्चों के ऊपर। कर्मचारी कौन कर रहा था? कोई ना कर रहा था, सिर्फ कंपनी की जो सारे ये हड़ताल हड़ताल हुई सर, खबर हो रही है कंपनी की चाला सारी है, ये सब मैनेजमेंट वालों की है। एक कर रहा बड़ा माचिस की तिल्ली, वहाँ माचिस की डब्बी मिली, वहाँ वो अपनी जल गया, वो माचिस की डब्बी नहीं जली, पूरा फोल फ्लोर जल गया, ऊपर का कुछ नहीं रहा, एक माचिस की तिल्ली पड़ी। यूनियन को कुचलने के लिए तुमने षड्यंत्र रचा कि अविनाश देव को तो पार करो और इस यूनियन ने कुचल दो, जेल बजा दो। हाँ, इसलिए बाउंसर बुला के ये पिटवा दिए, इनको छुड़वावे कर दिया, इन जगहों पर आग ला दी। इसलिए अविनाश देव के मर्डर का तो गवाह हो रहा नहीं, रॉयटिंग और इसकी अपनी चोट, दो बातें गवाह है। रॉयटिंग में इसने किसी वर्कर को पहचाना नहीं, तो कहता केवल ड्रेस की वजह से मन ने तो वर्कर बता दिए, वो हमने कह दिया कि बाउंसर को भी तो हमने ड्रेस दे रखी थी। तो जिन लोगों का नाम लिया है अब उनकी ऋण की लड़ाई पर लाएंगे हम। जब ये तुमने बाउंसर से पिटवाए, इनने भी पिटाई करी। अगर वर्कर्स की इंटेंशन टू मर्डर हो तो अविनाश तो चलो हुआ, तुमने क्यों छोड़े? तेरे दो चोट मारे क्यों छोड़े? क्यों छोड़ दिया? अविनाश तक ये पर्सनल वो थी, वो एनिमी एनिमिटी। अविनाश ने मार दे, तुमने छोड़ दें, तुमने छुटवाने तो कोई आया नहीं इसको। फिर तो वो जो है प्रीवियसली वहाँ पोस्टेड थे आप, और उस वक्त ये फलाने फलाने जो नाम बता रखे हैं नेम्ड आदमी, ये भी वहाँ लगे हुए थे उस प्लांट में। जिया लाल, सरबजीत, अजमेर, अमरजीत, सारे पहले गुड़गांव में काम करया करते। गुड़गांव में काम करया करते? मैं भी करया करता गुड़गांव, फिर मेरे को वहाँ भेजा ऐसे। तू वहाँ था पहले और वहाँ ये फलाने फलाने आदमी काम करे थे, और इसीलिए तू इनको जानता है। फोटोग्राफ्स तो मौके के हैं नहीं अपने पास? ना, मौके के फोटोग्राफ्स नहीं हैं, तो भी इन्होंने मतलब उनको दिखा नहीं रखा कि हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं। हमें लगता है हैं कुछ फोटोग्राफ्स इनके पास होंगे, तो भारी संख्या में निकाल लेंगे। इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफ्स को छुपा लिया और बोलते हमारे पास है नहीं, और ऐसे आइडेंटिफाई करवा दिया, ये भी था, ये भी था, ये भी था, 550 लोगों को। उन फोटोग्राफ से तुम्हारी गिल्ट एस्टेब्लिश होती है, इसलिए तुमने छुपा लिया। तो मैं ये कह रहा था कि इसकी जो स्टेटमेंट है विक्रम खजांची की,
एक बात उसने सही ये बोल दी हमारे हक में कि जो मृतक थे अवनीश देव जब बीमार हुए थे तो उनको देखने के लिए ये लोग वहाँ हॉस्पिटल में गए थे, मैक्स हॉस्पिटल में। अभी वो एक सेंटेंस चेंज कराने चक्कर में थे, वो मैंने नहीं करना दिया चाहिए। मैंने कहा था कि ट्राइड टू हिट मी ऑन माई हेड, मेरे हेड में मारने की कोशिश की, तो इसमें वो ट्राई वर्ड हटवा रहे थे। अभी मैं गया था जब लेने कॉपी, उसको करे मैं पहुँच गया, मैं हटवा देते, बाद में चेंज करवाए थे इन लोग कई वर्ड्स, उसके सेंस चेंज हो जाएगा पूरा। Statement which was given by Khajanji is that he was caught hold by these two persons and injuries were given on leg and feet, but it is not there in the statement of 160. It is not there. We are not going to admit it. Dusra ek question aur bhi hai ki ye khud ko keh rahe hain ki ye chot mari hai mere samne, then he has come out. Bahar aane ke baad bhi inhone did he tell to somebody ki he is injured and please वो तो जब सारों के डॉक्टर आएंगे तो पता लगेगा कैसी चोटें हैं। इन दसों को तो फ्रैक्चर 10-20 ही एडमिटेड ऑन 18th एंड ही वाज डिस्चार्ज ऑन 22nd। स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड ऑन 27th। एक इसमें खरोंच है, एक इसमें खरोंच है, 7 दिन तक भी होश रहा, इसके उंगलियों में ही होगा, कोई हेड में थोड़ी है। इन फ्रैक्चर से अनकॉन्शियस थोड़ी था वो, अनकॉन्शियस। तो ये सारे MLR तो इसलिए फेक होंगे। फिर पीछे चौहान साहब क्या हुआ अभी? एडजर्न हो गया जी लंच के बाद, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगा उस पर खजांची पे। आज तो एक ही गवाह है सिर्फ। फिर इन बच्चों को बचा पाओगे आप अपनी मेहनत से? अगर कानून के मुताबिक फैसला आया तो जरूर। हुड्डा साहब आज का जरा बताएंगे क्या हुआ? एक गवाह था जी, उस पर क्रॉस हो गया, जो FIR का गवाह है जिसने 55 लोगों को नेम किया है, उसको प्रोसिक्यूशन जानबूझ के रोके हुए है, छिपाए हुए है, उसको पेश नहीं करेगी। नहीं, इंटरिम में एक दिन की मिलती है सुबह शाम तक, पर बहुत सारे केसेज हैं जहाँ हफ्ते हफ्ते दो दो हफ्ते की मिलती है लोगों को। मनु शर्मा है वे सब जितने भी हैं, आपके बिना फीस के तगड़े वकील कम मिलते होंगे। संजय दत्त हैं जैसे, अब संजय दत्त को तो महीने की मिल जाती है। और जो 161 स्टेटमेंट है वो मेरे कहाँ पे हो सकती है सर? एग्जेक्टिव लॉ है वो, तो हम ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि पुलिस इज इन द सर्विस ऑफ द कंपनी। वो जापानीज हॉस्टल है कंपनी का, कंपनी गवाहों को हुक्म दे के भेजती है कि जाओ बयान दे के आओ, और कंपनी पुलिस को मेंटेन करती है जापानीज हॉस्टल में। और जो 160 का पुलिस का के छोरी बह रखी है जापानी हॉस्टल में, वो आयोगा के काम उड़े, उसकी ससुराल है क्या, उसकी लड़की की ससुराल है जापानीज हॉस्टल में, पुलिस का क्या काम है? सारी स्टेटमेंट वही रिकॉर्ड हो रही है। तो आइयो तो पूछेंगे भाई कितने रुपये खाए इसमें, बता थोड़ा देगा वो, डायरेक्टली पूछेंगे। When I asked Mr. Khajanji, what action you as a plant head you have taken against General Major Security Mr. Deepak Anand, he did not adhere to your directions. From 4:30 PM to 7 PM, very good time was there, 2.5 hours, sufficient time. You are in the city, police is nearby, you are in a very close to Gurgaon. In 2 hours you can get even 1,000 policemen. Did you
ऑर्डर फॉर एन इंटरनल इंक्वायरी, बोले यस। कुड यू एस्टेब्लिश द फॉल्ट ऑफ मिस्टर दीपक आनंद जनमेजय सिक्योरिटी? इसे आई कॉन्ट से आई कॉन्ट कमेंट। देन कोर्ट वॉज अनॉयड, जज वॉज ऑल्सो अनॉयड कि यू आर अवेडिंग द आंसर्स। देन जज हिमसेल्फ आस्क हिम क्वेश्चंस, ओके मिस्टर खजांची यू टेल अस वेदर और नॉट एनी एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट हिम? बोले सर नो एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट हिम। देन यू आर इज ही वर्किंग? बोला ही इज नॉट वर्किंग इन द कंपनी। वेर इज ही रिजाइंड? तो पिछले हम 15-16 महीने से अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए हर जगह हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और हर जगह हमें दबाया जा रहा है। हर जगह जावे जाते हैं वहीं डायरेक्ट सवाल लगाए जाते हैं। हम ये आपसे पूछना है कि क्या कहते हैं भाई, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, तो क्यों हमें अपने हक से वंचित किया जा रहा है? हमारा देखो मेन पर्पज ये होता है कि भाई आप लोग जो है ना उनके साथ कोई गलत एलिमेंट जो है कोई गलत हरकत ना कर जाए, आप पे उसका दोष आप, वो तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ता है। बाकी अगर कोई चीज़ कहना चाहते हो आप तो आपको पूरी आज़ादी। तो आप जैसे आप मंत्री जैसे हमारी आप बातचीत करवा दीजिए साहब, है ना जी। हम अपने शांतिपूर्ण ढंग से मांगों को लेकर हम उनके सामने रखेंगे, इसीलिए हम आपके पास में आए साहब। तो उसकी कोशिश करते हैं, तो एक बार उनसे मीटिंग ठीक। हम जाएं कहाँ? अब हम सीएम साहब के पास कैसे जाएं? कैथल से हैं और ना मारुति के पास कोई जाता अपना मारुति को ना मैंने लाइसेंस दिया ना परमिट दिया ना जमीन दी ना मारुति मेरे नीचे आती। आप प्रदर्शन केवल करते हो मेरे विरुद्ध, परंतु आप अपनी बात जाकर मारुति के समक्ष रखी। इतना तो जी आपको पता है में तो मारुति विरोध नहीं है, आपको पता है आंदोलन का तरीका है। मुख्यमंत्री जी जो है उनका रवैया आपके लिए सहानुभूतिपूर्वक है, परिवार के मुखिया के तौर पर बिल्कुल है। एक बार आप उनसे मिलेंगे, परंतु हर चीज जगह देख कर होती है। हमें जर्मनी के खिलाफ जींद में प्रदर्शन शुरू कर लो, क्या फायदा हो? जर्मनी तो जींद में है नहीं। अब देखो जी आपको फैक्ट्री तो हरियाणा में है, सेकंड सीएम देखती है पूरे हरियाणा की जनता। हम सब जो हैं उनके सहयोगी हैं, जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, ना कोई सेकंड है ना थर्ड है ना फोर्थ है, ठीक है जी। उसी उम्मीद में आए हैं जी परिवार में लगता है। मैं आपकी दरख्वास्त उनको दूंगा और ज्वाइंट लेबर कमिश्नर को मैं ये बोलूंगा कि मैं दोबारा वार्तालाप करूँ, ठीक है। मारुति मैंने अक्टूबर 2003 में एज अप्रेंटिसिप ज्वाइन की थी और 2006 से लगातार फिर 2012 तक मैं मानेसर के अंदर ही कार्यरत रहा।
मारुति के अंदर नौकरी करना तो सरकारी जॉब से भी बहुत अच्छा माना जाता था। आम लोगों से थोड़ा गर्व महसूस करते थे घर वाले भी, और हम भी सोचते थे भाई हम तो स्टैंडर्ड में आ गए, हम गुड़गांव के अंदर जॉब करते हैं, ये गाड़ियां तो हम बनाते हैं जो रोडों पे चलती है। पहले तो सोच हमारी यही थी कि ये मालिक हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका हक है, ये बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जब वास्तव में हमें ये पता चला भाई हमारी श्रम के ऊपर ही कंपनी है, तब थोड़ा ये हुआ कि ये जितना भी गलत कर रहे हैं हमें सहना नहीं चाहिए इनको, ये इनका हक नहीं है। दे दे माँ बिस्कुट दे दे इस पे। आओ जी हर गलाबे बहु नहीं आई भाई। ये जसवंत के पिताजी हैं जी। जसवंत ने 9 साल तक मारुति मानेसर में काम किया और मतलब बहुत गरीब तबके से उठ के अपनी पढ़ाई पढ़ोई पूरी करके एक उम्मीद में गए थे कि गुड़गांव जाएंगे नौकरी करेंगे। 9 साल के बाद कंपनी से वो बाहर निकाल दिया 18 जुलाई मूवमेंट के बाद। ना तो कंपनी वाला बिगड़ गया कुछ, ना तो पानी का बिगड़ गया कुछ, बिगड़ तो इनका गया। अभी 25-25 साल की छोरी बैठी है, न्यू बिठा रखी है, मैं छोरा गला छोरी ने ब्याई है, मर तो वह गए गरीब है, इनका कहीं बिगड़ गया भाई। वो न्यू भी मर गए, न्यू भी मर गए, ना नौकरी ना कुछ, और सीट भी जेल में पड़े बहन तो खस्ता हुआ है। एक थ्री ने फेटन जावे तो कम से कम 5,000 रुपये ला गए भाई। हाँ इतने तो 10 साल में कमाए को नहीं, इतने 2 साल में ला दिए, इतने 2 साल में ला दिए, इनका बिगड़ के रहा, बिगड़ तो मारा गया। सारी सरकार इसी हो रही है वहाँ भाई, तो खान के हो रहे हैं बेटा, ये अपने वर्गियाँ पर तो खाना है कोई नहीं। बड़ा कितने तंग हो लिए इन जेल में, नस कटने लग गया हाथी, कोई नस कटा है, कोई फांसी का लग, कोई कुछ करे खाएगा। केस अगर हम हार गए तो ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया के और मजदूरों की भी बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब इसको एक क्लास वार के रूप में पहले ही बयान दे चुके हैं। तो आने वाले 20-30 साल के लिए तो ये एक उदाहरण बन जाएगा कि ऐसे 550 परमानेंट कर्मचारी मारुति ने निकाले थे वो हार गए, और कंपनी किसी को भी बिना किसी नोटिस बिना इंक्वायरी के निकाल सकती है। और अगर बदकिस्मती से हार भी जाते हैं तो ये पूरे मजदूर वर्ग के लिए बहुत बड़ी हार होगी और बहुत पीछे चला जाएगा मजदूर आंदोलन इससे। आठ पैर चोटली निकलूंगी यारे बेटा, कद ले लेंगे यारे, कद काम बनागा यारे, कद भी त्रैड़ा ने बाहर काट देंगे, जब भी त्रैड़ा ने बाहर काट दे सारे ख्यार हो जाए। मेरा बेटा का तो बाहर उतर जाए सिर पर दोनों, यू कंपनी का वो बना रखा प्रधान, सारे इन कहेंगे राम ना तो कढ़ा देगा दे लिख दिया नहीं, हम तो उम्र कैद में गेट दिए। हर बात भी सच्ची है कि सारियाँ यह टेंशन रहा है, दोनों कोई भी त्रैड़े ने बैर काट है, कोई इन्हें ले कंपनी में कोई काम चल रहा है, इतनी महंगाई हो रही सारी चीज की, आज ले लो दीती अल्लाह, उन्हें तो नहीं भेजना तैयार हूँ बहू ने गल करूँ के लो बड़ा साधन। रानी तुम्हें समझ आता है इनके काम का कि ये क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? मेरे तो समझ से बाहर है। समझ से बाहर है बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं समझ पाते
पूछते हो उनसे? तुम्हें अच्छा लगता है कि ये दूसरों की स्थिति समझ सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, देख ले। हाँ बिल्कुल। अब देख लो बोल रहे हो। हाँ मुकरना ना जी बिल्कुल, प्रिंट कटवा लियो निकलवा लो। अब देखो वो खुश हो गया, उसने लिखवा लिया। पर्ची पे दो नंबर लिख दिया इनका। हाँ, दो की होगी जी। सिर्फ कपड़े कपड़े अकलिंग भाई एक नाम बोलो। साबुदीन हर महीने दो दफा महीने में हम तो लड़का कह रहे थे हमारा कि छः छः महीने हो गए कहीं माँ बाप को
हिमाचल के पढ़े हैं, इस हिसार के पढ़े हैं, कलकत्ते साइड के पढ़े हैं, इन दूसरे नहीं माँ बाप आ सकते, कहाँ रहें आके, क्या करें, मजबूर है। रात को कोई मंदिर में ठहरता है, कोई कहीं ठहरता है बेचारा, साफ तो रहा नहीं पास जुट गए। जो एक साल हुए वो बेल भी नहीं दे रहे और कोई चार्जशीट नहीं पेश करे, इंसाफ क्या रह गया। वो तो एक तरफा चल रहा, सबको दिख रहा है। मजूरी का नाम शुक्रिया, जब तक केस लड़ेंगे, जब तक गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, जब तक तो हम चलते रहेंगे। जब तक जान है, प्राण है, जब तक तो हम चलेंगे। सुनवाई तो अब बस उनका इंतजार कर रहे हैं, फिटनेस ही जा चुके हैं सब। हाली हाँ, दीपक आनंद अच्छा आ चुका है, उसके साथ है कि मैं तो नहीं जानता ना दीपक आनंद। दीपक आनंद एक शेष राज, ये दो ये आने थे ना आज, तो दो तीन आ रहे हैं, देख ले कौन कौन है। तो बेल के ऊपर आज कुछ नहीं होगा? नहीं, दो की इंतजार करे थे राहुल जी, दो बेल हो जाए, इसके बाद हमारा मोस्ट प्रोबेबली 100 बेल ऑलमोस्ट वो हो जाएंगे, मतलब एकदम से क्लियर अगर ये हो जाती हैं तो, क्योंकि इनके खिलाफ एक एक विटनेस है। अच्छा। जब मॉब का कोई होता है, मॉब वायलेंस केस होता है, तो एटलीस्ट एक एक्यूज के खिलाफ दो विटनेस होने चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में जब बेल के लिए गए थे तो एसपीपी ने कही थी कि अभी एविडेंस हुए नहीं है, तो मैं एटलीस्ट 23 विटनेसेस एग्जामिन करवाना चाहता हूँ, उसके बाद बेल की मतलब हो जाए सुनवाई। तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में वो यही थी कि इनके जो विटनेसेस हैं वे एग्जामिन होंगे, तो वे भी नहीं हुए हैं, तो दो का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 29, दीपक आनंद, सन ऑफ श्री ओम प्रकाश आनंद, एजेड 52 इयर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 503, एयरपोर्ट अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 47, गुड़गांव। This witness has pointed out by going to the accused, by touching them and identifying the following accused. I identify accused Jia Lal, son of Ram Lal. The witness could not identify rest of the accused. Cross-examination by Shri R.S. Huda, advocate and other defense counsel for their respective accused. The persons whom I named in my examination in chief, I do not know personally. I recognize some of the workers prior to the occurrence. I cannot tell any name to whom I recognized prior to the occurrence. The persons whom I named never worked in my department under me. I do not know, remember, as to which of the persons named by me works in which of the departments. Questioned by the counsel. I put to you that you do not know any of the workers you named in the particular department deliberately. Answer. Since I have left the job for about 1.5 years, therefore I do not remember about their posting in particular department. It is incorrect to suggest that I am suppressing the truth intentionally, and I am avoiding the direct answers as I never knew any of the workers named by me and their department. आज क्या हुआ? एक गवाह था जी, जिसने FIR दर्ज करवाई थी वो, और उसने ये कहा कि मैंने जो 52 नाम लिखवा रखे हैं, इनमें से मैं किसी को नहीं जानता और ना पहचान सकता। फिर? और फिर भी सब लोग जेल में हैं। ये जो 29 गवाह लिए, इनमें TIP में या उसके बयान में किस किस का नाम नहीं है? बना ली, जिनका नाम नहीं है उनमें से किस किस से रिकवरी नहीं है? रिकवरी सबसे 147 सबसे 147 हर एक लड़के से रिकवरी सबसे रिकवरी
रिकवरी पुलिस कुछ भी दिखा दे। रिकवरी कोई एविडेंस है यार, डंडा है हाथ में, एवरी डंडा इज डंडा। क्या आइडेंटिफिकेशन है उस डंडे की या चोट इस डंडे से लगी है जितना ही फायर आर्म की इंजरी ना हो और फायर आर्म उस इंजरी से कनेक्ट ना हो। बाकी एविडेंस के क्या माने, या शार्पेस वेपन हो, पॉइंटेड वेपन हो, उस पर ब्लड हो, ब्लड की रिपोर्ट आ गई हो, तो उस रिकवरी के कोई मायने हैं। जो डंडे का रॉड का रिकवरी के मायने रखे, एवरी रिकवरी एवरी डंडा इज डंडा। हाँ शादी हो गई है, अभी वाइफ आई नहीं है। हमारे यहाँ साल के अंदर या तीसरे साल के अंदर फिर विदाई होती है लड़की की, सिर्फ शादी शादी हुई है, बात भी नहीं कर पाते हैं। उनसे कहेंगे बताओ कुछ मैसेज देना, कहें क्या दीदी कोई मैसेज नहीं। क्या मैसेज है, कौन देख रहा है? गवाह भी तो ऐसे ही जाते हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं, गवाह कौन सुनता है? अरे मज़दूरों का तो कोई भी नहीं है, जहाँ पैसा मारो वहीं है सब। अरे यहाँ तो मैनेजमेंट ने तो कम खिलाया पैसा, यहाँ तो ज़्यादा गवर्नमेंट ने पैसा खिलाया। हाँ यहाँ की स्टेट की सरकार ने तो बहुत पैसा खिलाया, क्योंकि यहाँ के लोग पास है क्या क्या, यहाँ झाड़ियाँ आती हैं, यहाँ तो डंग ना खेती होती ना कुछ होता है, किराएदार से ही खा जी रहे हैं वो सब। अरे फैक्ट्री तो जाने वाली थी ये गुजरात में, यहाँ सेफ्टी नहीं होना चाहती। जब ये केस हुआ उसके बाद वो जा रही थी, इसको हुड्डा ने रोका है। ये सामने जो कंपनी आप देख रहे हैं, इस कंपनी से जस्ट इधर एक रोड है और रोड के साथ से ही गांव स्टार्ट है। सरकार ने 2005 में हमारी ज़मीन एक्वायर की थी, मुआवजा बहुत कम मिला, जो पैसा मिला उसमें बाहर ज़मीन खरीद नहीं पाए लोग, अब पूर्ण रूप से किराए पे ही डिपेंड है। हमारे गांव के जो वोट हैं वो लगभग 1100 वोट हैं, लेकिन अब गांव की जो संख्या है उससे ज़्यादा किराएदार लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर हम उसको किराएदार की नज़रिए से देखें तो मेरे ख्याल में 15,000 से 20,000 लोग या 50,000 के आसपास संख्या रही है। पहले ये अच्छे थे कि अपनी ज़मीन में बोले हुए जोत ले हुए खा ले हुए, अपनी मजदूरी आप खा ले हुए, किसी के ऊपर वो नहीं था, चाहे पेवर चीज़ें थी, भैंस डांगर बांध ले हुए अपने खा कमा ले करे, घी दूध बेच ले करे। अब क्या है, कमरा बना लिया, किराएदार आए तो आया, नहीं ना बैठे रहो। ये पिछली बार ये रूमर हो गया था कि मारुति यहाँ से जाने वाली है, तो उसी से ही बड़ा फर्क पड़ गया था, क्योंकि आसपास के लोग वो भी प्लान करने लगे थे यहाँ से कि मारुति यहाँ रुकने वाली तो है नहीं, तो उससे भी लोगों के जो दैनिक जीवन है उसमें बड़ा फर्क पड़ गया था। कमरे बना दिए, वो कमरे में सारे पैसे लग गए, अब बैठे रहो हाथ पैर धरे। भाई इनमें तो कबूतर ही बोलेंगे, इनमें तो किराएदार नहीं आ रहे, क्या करेंगे इनको हम। I have a studio which is in the Manesar area. I bought it in 2001. When I asked the HSIIDC people, the officer there told me, आपको हम subsidized ज़मीन दे रहे हैं, आप विश्वास करिए हम पर, और हमने farmers को बहुत अच्छा compensation दिया है। Madam, 40 to 50 lakhs an acre has been given to the farmer. Those were the words of that fraudulent officer. Later on, in 2004, I found out that the farmers had only been paid 4 lakhs an acre as compensation. This officer had lied to me outright. And that is the day that I truly started getting involved in this whole land acquisition and why it was being done. We began with Manesar, and in this report, the first one that we submitted in 2011 in the Supreme Court, we said that Sultanpur has dried up. And I can show the Maruti thing, that's a very, very good example. Yeah, 2002. Okay. IMT was just being made over here. The rainwater coming down the hill still had a root, and you can see water roots. I mean, they're absolutely visible, gullies are visible, that go down from these things straight towards Sultanpur.
As we come to 2006, Maruti is starting to be built. Water gullies are still visible. In fact, you see more water gullies because the water doesn't have any other place to go. So it was all going from here. So you're getting blocked, but it's finding a way out around Maruti and still going. 2010, gone. Blocked. Totally blocked. Yeah. Yeah. This is 1 hour of rain in IMT Manesar. More like 40 minutes. Okay, this is where the water is. This is where the water of Sultanpur Lake is. It's sitting right here. In Japan, if Suzuki had set up a company without doing an environmental impact assessment or set up a factory inside a water park, I think they would have been punished. And here they are rewarded, awarded, and called one of the best companies, and they are so close to the government. I am shocked how Maruti Suzuki did not do any due diligence on this environmental front. And I'm shocked at HSIDC, who cut and chopped and sold the water path to Maruti. The new master plan that they're passing encompasses about 108 villages. Nobody talks about these people. What you're doing right here is you're creating urban slums. These villages are never going to get the infrastructure of the buildings around them or these fancy apartment complexes. They're never going to get the infrastructure. So you're going to have beautiful apartment complexes with this slum right in the middle of it. Now, I mean, this is fairly logical. What do you think those people are going to do? Are they going to be very nice to you? यहाँ से कूड़ा उठा के और तू इधर फेंक देता करके सामने मैं ना फेंकता हूँ सर सारे ही फेंक दे तू अपना बता दू अपना फेंकता कि नहीं फेंकता आज मैं फेंका फेंका है ना इससे पहले कहाँ फेंकता था मैं वहाँ पर झूठ बोल रहा है भाई आज यहाँ फेंका तो सारे कूड़े उठा के तुझे मना किया ना कि कूड़ा गाँव के अंदर नहीं फेंकना मना गाँव के किसी ने बताया मैं रेडी में डाल देता हूँ सुबह में जो होता है मैं रेडी में डाल देता हूँ रेडी वाले ले जाते तू थूक के मुंह धो साफ कर देगा गंदा करेगा मेरे कपड़े बाहर वाले का ये तुम्हें आज आखिरी बार बताया जा रहा है कूड़ा जो तू फेंक के उठाएगा तो मैं फेंकूंगा ही नहीं नहीं जो उठ गिर के उठाएगा उसको मैं अपना वाले उठा हाँ अपने वाला और इसके बाद अगर तू मैंने कूड़ा यहाँ किसी का भी कूड़ा मिल गया किसी का भी तो सारा तू उठाएगा मैं तो बिहार का रहने वाला यहाँ कब से हो यहाँ 3 साल हो गए कपड़े नहीं तेरे पास कपड़े नहीं है अरे पैंट शर्ट नहीं आएगा तेरे पास सारी गुंडागर्दियों ने की है यहाँ पे बाहर के बंदों की ज़्यादातर तो सुधार की ज़रूरत है ऐसा है कि फ़ोन ले लेते हैं चाइनीज़ वैसा और रात को 12-12 बजे तक ऐसा फ़ोन बजता जाता है कि खुद तो मतलब ऐसा है कि बंदा गाना खुद ही तो सुनता है मान लो जो भी है पर ये तो ऐसे इतना लाउड म्यूज़िक बजाते हैं कि बस लोगों को वो भी ऐसा गाना होता है कि बिहारी भाषा में समझ में नहीं आता बिल्कुल ही पता नहीं क्या क्या बजाते जाते हैं नींद खराब करते हैं और ऐसे इतने इतने कच्छों में सर्दियों के दिनों में ऊपर बनियान भी नहीं है गांव में घूमना तो ये जी बस बुरा हाल कर रखा है इन्होंने कंट्रोल की ज़रूरत है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया भी है हमने अभी और कर रहे हैं कंट्रोल प्यार से तो मान नहीं रहे लोग तो इसका और कुछ समाधान निकालना पड़ेगा ये शमशान भूमि में पेड़ लगाए हैं जी हमने इसकी बाउंड्री है मारुति के कंट्रीब्यूशन से हुई है 2 साल पहले हमारा गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर उन्होंने लगवाया था एक सिलाई सेंटर का व्यवस्था उन्होंने गांव में किया है गांव की औरतें उसमें सिलाई सीखती हैं शमशान भूमि को बाउंड्री कराने में उनका बड़ा सहयोग रहा है और बच्चे पढ़ने में जो बच्चे हमारे घर से गाँव में अच्छे परसेंटेज लेके पास होते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं गौशाला में भी उनका वहाँ कंट्रीब्यूशन रहता है जो सहयोग है वो मेरा मिला जुला सा है जब मारुति को कभी हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है मारुति गांव की तो हम भी हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं
अभी जैसे 2012 में मारुति में एक कांड हुआ था, उन वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत करी, तो गांव के युवा सब वहाँ गए, उनको धमकाया डराया, तो उन्होंने आगे दिक्कत नहीं की। यूनियन के साथ कुछ ऐसा असामाजिक तत्व भी वहाँ पे जैसे आ गए थे जो उनके इंटरफेयर से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो उसमें गांव ने सपोर्ट करके उनको साइड करके कंपनी को फिर से कंटिन्यू उसमें रखा। लेकिन मारुति में क्या यहाँ के जो युवक हैं उनमें से लोगों को नौकरियाँ मिली हैं? नहीं, युवकों को नौकरियाँ नहीं मिली है। जैसे उनके वहाँ पे ITI रखते हैं या BTEC का ग्रेड रखते हैं, तो हमारे गांव में ITI नहीं किए लोगों ने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, इसलिए हम नहीं उनको क्वालिफाई कर पाते। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी मिस्टर संजय कुमार जी से कहूंगा कि दो नारे लगाकर इंकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। साथियों, अब मैं अपने साथी से मिस्टर राम निवास से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपने दोस्त बन रखें। दोस्तों, आप सभी को पता है 2011 में हम यूनियन के लिए लड़े थे, जो कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में खड़ी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप जो अपने नेता चुने हैं उन पर विश्वास करके चलिए, उनके कदम से कदम मिला के चलिए, कंपनी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चलिए। आप को एक बात तो ध्यान में रखनी होगी कि उत्पादन है तो ही हमारा रोजगार है। तो मैं मैनेजमेंट से भी अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे, हमारे सारे कर्मचारी साथियों के साथ एक भाईचारे की भावना से काम करें। ये मजदूर देश के कोने कोने से सिर्फ अपना रोजगार चलाने के लिए आए हैं। और मैं एक और अनुरोध मारुति सुजुकी के प्रबंधन से करूंगा कि जो दमन का चक्र इन्होंने चलाया है उस पर शांति से बैठकर एक वार्ता के अनुसार समझौता करें, क्योंकि इतने सारे साथी जो जेल में बंद हैं, जो सड़कों पे हैं, प्रबंधन को भी पता है वो दोषी नहीं है। तो इस सारे मसले पर बैठकर एक चर्चा के रूप में इस मुद्दे को सुलझाएं, ताकि औद्योगिक शांति कायम रह सके और फिर से प्लांट में एक सुखद माहौल कायम हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद भाई, कुछ तो फायदा होगा। ठीक है, ये प्रोविजनल कमेटी का क्या होगा? नहीं, प्रोविजनल कमेटी तो कमेटी है, ये तो रहेगी। प्रोविजनल कमेटी बर्खास्त कर्मचारियों की बनाई हुई कमेटी है, जब तक कि बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता ये अपना काम करती रहेगी। आओ जूस लो, अब बना रहा है जूस बना। राहुल जी, आप सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, तो उसमें एक डेढ़ दो महीना लग जाएगा वहाँ से बेल होने में। इसी बीच जो आइडेंटिफाई नहीं हुए उनकी बेल एप्लीकेशन हम सोमवार से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है मंडे को ना हो, ट्यूसडे वेडनेसडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिलहाल अभी मेरे को बता दो, जिसका एक का विटनेस, एक का एक है बस, ये सारे एक एक वाले, ये मतलब इनका नाम पे कितने हैं? ठीक है, ये जो है अमरजीत, अंदर तो पूछ लेंगे, किसी की कोई शादी हो, कुछ और बात हो, किसी का इम्पोर्टेंट काम हो, 9, 10, 11, 12 में तो कोई भी एक लड़का। हाँ, एक लड़का नहीं, उन तेमज पूछ, तू वो बता दे कौन से का।
एक का लगाऊंगा। जिनसा नाम अच्छा लगे उसका कर लो। तू कहा है तो परिवार वाले परेशान तो हैं। अंदर से क्या बात है भाई? अंदर से ये बात है, बेल मेन पॉइंट यही है, सच यही है कि बेल क्यों नहीं हो रही, क्या कमी है, क्या हमारे में कमी है, हमारे वकीलों में कमी है, बार बार मतलब अपोज कर रहे हैं इस बात को भी, क्या कमी है, मतलब क्यों नहीं हो रही बेल, कोई रीजन है क्या इसका? सर आज आप 12 बजे का इंतजार कीजिए, आज जो सारे रास्ते खुल जाएंगे। इंतजार तो 2 साल से कर रहे हैं, तो बार तो कोई खास नहीं है, कल के भी 12 बजेंगे। आ रहे हैं कुछ लोग हमारे, आज कंपनी से भी आ रहे हैं अपने प्रधान भी यहीं से। अब परिवार वाले भी बहुत दुखी होने लगे, आपने पता ही है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, इससे ज़्यादा दुखी क्या होंगे वे? कोशिश करेंगे वो आपसे बात करें, तो ये इसके लिए भी हम रिक्वेस्ट डालेंगे। आप लोग ये सोचिए ना, ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, 2 साल कितने साल और लगाना चाहते हैं आप लोग? ऐसा है अगर हमारे हाथ में हो तो हम 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आप उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे ना? नहीं आपकी, मैं आपकी इतना बोल रहे आप संभालो, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे साथी जेल में है। फिर भी आप नहीं कहते, आप जैसे बहुत परिवार वाले हैं जो हमें आके ये कहते हैं कि तुम नहीं निकलने देते। हम अपने बिहाफ पे जो भी हमसे बन पड़ेगा हम मैक्सिमम रूप से करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे, बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे। अगर आप डायरेक्ट मिलने के लिए कहना चाह रही हैं तो हम उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो आपसे बाय चांस मिले। हमने ना नहीं कही है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन जो भी हम करेंगे, देखो हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है, उससे बाहर जाके हम नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को इस वक्त प्रेशराइज करना है, प्रोडक्शन रुकेगा, 2 घंटे का रुकेगा, 1 घंटे का रुकेगा, 2 दिन का रुकेगा, 2 महीने का रुकेगा, उसके ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि भैया प्रोडक्शन रोक दो और समझौता कर दो, हम मैनेजमेंट से ये डिमांड नहीं करना चाहते। मैं ही बताऊंगा, ये कंडीशन हमारी नहीं, गुड़गांव की सभी ट्रेड यूनियन ने बोली थी कि हम अपने प्लांट बंद करने के लिए तैयार हैं अगर मारुति गुड़गांव प्लांट बंद हो जाए तो, ठीक है। सिर्फ यही बात थी भाई, अगर तुम्हारा खुद का परिवार है वो मजबूत नहीं, हम क्या करें? डिमांड आपकी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि भाई मत करो समझौता, कुछ भी मत करो, सिर्फ जमानत पे अड़ंगी मत डालो। जो पॉसिबिलिटी है उतना ही बोल सकते हैं, मतलब अगर हम आज भी इनको भी बोलें प्रधान जी को भाई आप शट डाउन कर दो, लड़के जेल के वो जो हैं बाहर आ जाएंगे, उस चीज़ की गारंटी तो नहीं है कि और भी अंदर जा सकते हैं या हाँ। औरों की नौकरी जा सकती है, मतलब लॉ के बाहर जाके हाँ। कोई भी कुछ नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ के बाहर जाने के बाद जो हालात हुए हैं वो हम सबके सामने हैं, तो इसलिए ऐसा कोई भी स्टेप ना हमें उठाना चाहिए ना हम उठाएंगे। मैं बताऊँ आपको टू बी फ्रैंक कि जिससे और दूसरे साथियों का भी नुकसान हो। गुड़गांव प्लांट में प्रोडक्शन रोकना, मैं ये कह रहा हूँ 70% लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अभी तो हम जल्दी में है, मीटिंग में जाना है, इस बारे में ना एक दिन बैठ कर लंबी बात होगी, बिल्कुल आपको पूरी सिचुएशन समझा देते हैं। जो आप कह रहे हैं ना ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, ये लोग मेरे को लगता बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं सबके साथ। आप इन पे फेथ रखो, आप इनसे बहुत अभी बाद में जुड़े हैं जो, लेकिन जितना भी टाइम जुड़े हैं ना जो आप कर रहे हो तो ये लोग वास्तव में दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। हाँ जी क्या हुआ? सही में अब मत लगाओ मेरी जरूरी कैमरा मत लगाओ, मुझे नहीं सामना करना है कैमरा, चलो जो भी कुछ है तो फिर अब क्या? अब तो हाईकोर्ट जाएंगे जी, जैसे ऑर्डर मिल जाएगा तो फिर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा जी। इधर फैसला होना चाहिए,
तारीख दे जा है। सवेरे 5 बजे लगना है, पूरा दिन बीत जाए हमारा तो शाम में जाकर पढ़ेंगे और कोई किले मारे नहीं, हम किले हम गुजारा कर लेंगे। उधर तो नहीं हो गया, चल मार तू लगे हो जाए गुजारा। दो लड़की उसका है, माँ बाप उसका, एक छोटा भाई है। मट्टी खा के पेट भरा क्या? आज इतनी महंगा दूध 50-60 रुपये किलो हो रहा है, बच्चा ने क्या नहीं चाहिए दूध भी चाहिए है। बड़का खून की कमी होने लग रही है, अपने पेट में कैट ला लगा ना गुजारा कर रही है। बड़का तो देना पड़ेगा, इवन की फीस भी दाखिले ओढ़ की है 11,000 रुपये दाखिले के मांगे हैं कि ना पढ़ाओ तो मर गया, पढ़ाओ तो मर गया, बता कितने में कौन देगा, देगा कोई? राजनीति और जीवन संभावनाओं का ही तो खेल है सारा। सर्टन है कुछ? मैं आज मुकदमा लड़ने कोर्ट से ही जाऊंगा जिंदा, को सर्टन है यार? सर्टन तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, सब कुछ अनसर्टन है, संभावना है बस। आपकी असली ताकत है आपका आंदोलन, वर्कर्स का कट, जितनी छोटी मोटी यूनियन हैं एक फोरम बनाओ और उस फोरम से जोड़ने की कोशिश करो। जो तयशुदा दुकानदार हैं यूनियंस के वह को ना काम दें। बस एक का डर है, उसकी चौकसी रखियो। शुरू तो कहूँ बार बार, सांस ना टूट जाए अपना। बड़े जोड़ने तरक्के पार करया कर देने बालक, दिक्कत का मन ब्यौरा ना हो, एहसास ना हो तो सांस टूटने से क्यों डरा। Mr. Osamu Suzuki, the chairman and CEO of Suzuki Motor Corporation Japan, on his maiden visit to Hasalpur, the place where Maruti Suzuki India Limited has been allocated 640 acres of land to manufacture cars. Automobile hub bani rahela Gujarat ni Suzuki Motor Corporation na chairman Osamu Suzuki Modi na amantran ne maan aapine Gujarat ni mulakat li thi. Osamu jare Hasalpur pahuncha tyare kamvasi hoye bharatiya parampara mujab temno swagat karyu. तो मांडलना धारासभ्य ओसामू ने साफ पहरा भी आवकार्या। हासलपुर खाते मारुति सुजुकी ना चेयरमैन सहित ना डेलीगेशन नु उमड़का भेर स्वागत चूने मारुति इंडिया ना एमडी आरसी भार्गव प्रभावित थे गया। I think it's an excellent site and in all ways it's very good. The local people are also very nice. They have been very welcoming. So I think that's a great, great help to any company when it comes to a new place to find an environment which is so friendly. Osamu Suzuki ye site ni sare kachri ni bulaya. Wahan se mera khet hai, wo khari nadi se wahan se wahan tak se 35 bigha ka mera number hai. Wo mere baap dada ke wo pedi ka number hai. Wo sarkar ne abhi tak Maruti plant la ke wahan khada kar diya hai. Hum roji roti wahan se paida karke kha raha tha. ये वो सरकार ने जिन भी लिया है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे हमारा जीवन है, देश नो विकास था, पर हमारा मालदारियों नो नाश्ता है, हमारा 500 माणा नो नाश्ता है, हमारी 500 माणा वहाँ है, हमारे 1000 पशुपालन है, 1500 ने नाखी दे खाडा में अना विकास करे सरकार। राज्य सरकारे मारुति सुजुकी कंपनी ने कारना प्रोजेक्ट माटे मांडल तालुकाना हासलपुर गामना सर्वे नंबर 293 270 हेक्टर जमीन फाळवी छे।
આ જમીન પર કંપનીએ જંગલ કટિંગ અને પિલર લગાવવાની કામગીરી પણ શરૂ કરી છે, પરંતુ ભરવાડ સમાજના 130 ખેડૂતોએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. કારણ કે સરકારે મારુતિ સુઝુકી કંપનીને ફાળવેલી 270 હેક્ટર જમીન પૈકીની 380 વીઘા જમીનમાં આજે પણ હાંસલપુર ગામના ખેડૂતો ખેતી કરી રહ્યા છે. 1947ની સાલથી ખેતી કરતા હાંસલપુર ગામના ભરવાડ સમાજના લોકોને સરકારે 1954માં આ જમીન ફાળવી હતી. દરેક ખેડૂતને 20 એકર પ્રમાણે 130 જેટલા ખેડૂતોને ફાળવાયેલી જમીન પર 60 વર્ષથી ખેડૂતો મહેસૂલી વેરો તેમજ વિઘોટી પણ ભરતા હતા. તેમ છતાં રાજ્ય સરકારે મારુતિ કંપનીને જમીન ફાળવી દેતા એક મિનિટ. આ 10 કિલોમીટર ની રાંચ થાય કોરમોર ફરવાની, બોર્ડર ફરવાની 10 કિલોમીટર. હવે એ કંપની માં હારા હોય, તમે હેણાય હોય, પાણી ભરાવાનું છે ને, પાણી ના ભરાય ને, વકરો આવ્યો એ વંદો ભરલે તો અંદર ગટર લાઈન કરશે, આપડે પેલા માર્ગે ગટર લાઈન ના છે. હવે તમે આપણું ગાવાનું કહો, મજૂરી તમે ક્યાં ભણેલા હો, તમને હાઈકોર્ટ માં લઈ જાય માટે અમને પૈસા આલે, તમે એમાં થોડા પૈસા આલીને તો અમે વાપરવાની છે, જલસા મારવાના. બધું તારી વાત સાચી, પણ એ વખતે તમે આ રીતે હેડ્યા હોત કોઈ ગાડી લાવે, સરકાર તમને રોટલો આલે. તમે સરકાર નો રોટલો નહીં હાલી, સરકાર તમને રોટલો આલે, તમે નહીં હાલી કહેવાના. સરકાર અમને રોટલો આલે પણ આ જમીન લઈને પૈસા રોટલો આલે બુઢા. 70 વર્ષ અમે ભોગવીએ આના જગ્યા, અને અમારા આગળ જૂટવી લે સરકાર. અમારો કેસ ચાલે તોય એનો કોઈ જવાબ જ સરકાર આલતી નહીં. 22-42 મુદત ઉપાડી પણ તોય કોઈ જવાબ સરકારે આપતી નહીં અમને. એના માટે હવે અમે ગમે ત્યાં દિલ્હી જવું પડે તો અમે જશું, પણ આ અમારી જમીન અમારે જોવે, અમારે પ્રોજેક્ટર નથી જોતું મારુતિનું. બસ એ રહી જ અમારી વિનંતી, મારુતિ અહીં કાઢવાની. મારુતિ ના જાય, અમારે મારુતિનો ફૂલ વિરોધ, વિરોધ ને વિરોધ. Yeah.